नमस्ते दोस्तों, आज हम राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना यह कहानी देखने वाले हैं। कानों में कंगना यह कहानी इंदु में 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशन के बारे में गूगल पर तो अलग प्रकाशन वर्ष दिया है और कहीं पर अलग दिया है, आप देख लीजिए। 1931 में प्रकाशन है उसका। और इस कहानी में मुख्यतः तीन ही पात्र हैं, किरण, नरेंद्र और योगीश्वर। ठीक है, इस कहानी का जो विषय है, स्त्री की सामाजिक स्थिति, पुरुष की निर्बद्ध प्रवृत्ति, वासना, प्रेम में अंतर, वासना और प्रेम में अंतर स्पष्ट करती है। प्रकृति के रूप में प्रेम की अभिव्यक्ति इस कहानी में की गई है। ठीक है, अब इस कहानी की जो कथा वस्तु है वह आप लोगों को मैं बता देती हूँ। नरेंद्र जब अपने पिता की आज्ञा से एक योगेश्वर के यहाँ जाते हैं, कोई साल भर में एक दो बार वो जाते रहते हैं, क्योंकि पिता की आज्ञा थी कि धर्म के ग्रंथ सबने पढ़ने चाहिए और धर्म ग्रंथ पढ़कर कुछ ज्ञान अर्जित करना है। इसीलिए वो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए योगेश्वर के पास जाते हैं। पहले जाते हैं तो कुछ उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें लेकर जाते हैं, एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्रा तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन वह लेके जाते हैं। किरण यानी वह योगेश्वर की लड़की है, इकलौती लड़की। ठीक है, अब इनका जो उपहार योगेश्वर जी पसंद नहीं करते, हालांकि वो पूरा उपहार वापस भेज देते क्योंकि वो कुछ भी उपहार स्वरूप लेते नहीं है। और एक दिन जब योगेश्वर से मिलने ये जाते हैं तो किरण के पास बैठकर योगेश्वर जी कुछ उनको शिक्षा दे रहे हैं या कुछ बातें कर रहे हैं और उनकी बहुत ही गंभीर मुद्रा है। और जैसे ही नरेंद्र वहाँ पहुँचते हैं तो नरेंद्र को योगेश्वर कहते हैं कि नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यानी किरण और योगेश्वर का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखकर योगेश्वर जी वहाँ से चले जाते हैं। इससे यह आभास होता है कि जो नरेंद्र के मन में जो कुछ भावना किरण के लिए, यानी कहानी का जो आरंभ हुआ है, वह किरण के कानों में जो उसने जो कंगन दिए थे वह कंगन उसके कानों में देखता है। किरण एक भोली भाली लड़की है। भोली मतलब ऐसी भोली नहीं है कि लोग उसे बेवकूफ़ बना ले, वह ऐसी भोली हुई कि वह अपने जो हाथ के कंगन है कानों में पहनकर देखती है। और उस कंगन को ये जब नरेंद्र कानों में देखते हैं तो उसके हाथों से निकाल कर वह उस सॉरी उसके कानों से निकाल कर वह उसके हाथों में पहना देते हैं। यानी उन दोनों का जो आकर्षण, वही प्रेम एक प्रकृति के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब जो कहानी में दूसरा जो कथा आई है, आरंभ में मैंने जैसे कहा कि योगेश्वर जी चले जाते हैं और पूरा भार यहाँ इसके नरेंद्र के हाथ में छोड़ देते हैं। अब किरण का जो स्वरूप है वो बदल चुका है। अब वो किशोरी से अब एक स्त्री बन गई है। अब उसे किशोरी रूप में पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। वह अलग एक स्त्री रूप में आती है, लाल चोली पहने, हरी साड़ी पहनकर, सिंदूर पहनाया है, हाथों में कंगन पहने, कानों में बाली है, यानी बहुत सारा श्रृंगार उसने किया है। उस रूप को देखकर ये भी उसका वर्णन करने लगते हैं और उस राम और जानकी का भी उदाहरण देते हैं, कृष्ण वन नंदवन का भी उदाहरण देते हैं। हर तरह से ऐसे ही उनके साल 2 साल, यानी एक शहर का नाम दिया है, मुरादाबाद में कट जाते हैं। और एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने वो गया था, मोहन ऐसा नाम आया है दोस्त का। और वहाँ जाने के बाद एक किन्नरी स्त्री के साथ, एक किन्नर जो है उसके आँखों से इनकी आँखें मिल जाती है और उस किन्नर से वो प्रभावित हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ तो एक पत्नी है जो किरण उसे बहुत प्रेम करती है, किरण से भी वो बहुत प्रेम करते थे, हालांकि ये तो चल रहा है, लेकिन बीच में ही कुछ वो भटक जाते हैं और किन्नर के वश में आ जाते हैं। और उसे कुछ गहने देना या कुछ साड़ी बनारसी ऐसे देना, उसके पास समय गवाना, ऐसे बहुत सारी बातें चलती हैं। और जो कर्तव्य है, जो कुछ अपना धर्म है, वो सब भुला जाते हैं। उनकी आंखें उस किन्नर के साथ रहते हैं, पूरी तरह आंधी आंधी हो चुकी हैं और खासकर वो रास्ता भटक गए। अब वह के बाद एक दिन बरसात की रात जब वो घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब बातें
किरण को पता चल गई है और किरण को होश नहीं रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। वो बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होने के बाद उसने अपने अंदर की जो जान है वो उसकी निकल जाती, मतलब जान तो है लेकिन वह कुछ बातें नहीं कर पाती। और एक दिन जब बरसात के दिन वापस आते हैं रात को, तो किरण इधर उधर निकलती तो वो ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद पता चलता है किरण यहाँ पर एक जगह लेटी हुई है और उसने घूंघट लिया है। जब वो घूंघट नीचे करते हैं तो वही कंगन जो उसके कान में, यानी एक स्त्री का समर्पण, एक स्त्री का एक प्रेम इसमें हमें दिखाई देता है। और पुरुष जो भटक भटक कर वासना में लिप्त होकर घर वापस आया है, लेकिन कब उसकी आंखें खुल जाती है, बहुत देर होने के बाद, जब इन दोनों के रिश्ते में कुछ बचता नहीं, तब वह किरण के पास आते हैं। यानी उसकी आंखें तो खुलती है लेकिन बहुत दिनों के बाद। और वही कंगन जब उसके कान में देखता है तो ये मानो पहली वाली किरण और अभी की वाली किरण में ये जो भेद या बदल चुका था, या किरण बदल चुकी थी, अभी वह मूल रूप में किरण आ चुकी है। ठीक है, तो ये कहानी है कानों में कंगना की। स्त्री के एक सामाजिक स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। धन्यवाद।